नरेला में जगह जगह हवन भजन कीर्तन भंडारे का आयोजन किया गया। देखे क्या कहते हैं नरेला वासी व पूर्व विधायक नीलदमन खत्री व बोरगढ़ वासियों ने भूमिया गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में मनाई दीपावली। ये दादा मोहनदास मंदिर है और पाना मामूरपुर नरेला हमारा स्थान है। राम मंदिर में आज रामलला जी विराजमान हो रहे हैं, तो उस खुशी में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं क्षेत्र में? आज आप देख रहे हो कि पूरा गांव इकट्ठे होकर के हमारी माताएं बहनें सुबह 9 बजे से कीर्तन प्रारंभ हो चुका है। अब सीधा लाइव अयोध्या से चल रहा है और अयोध्या से जो लाइव है भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगी उसके बाद महाआरती होगी और यहाँ भी महाआरती होगी और महाआरती के बाद पूरे गांव देहात का आस पड़ोस का 36 बरादरी का यहाँ ग्राम मामूरपुर की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया, प्रसाद का आयोजन किया गया है। नरेला श्री राम मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। नरेला अनाज मंडी में वीर बरवृक्ष श्री श्याम प्यारे की कथा में पधारे श्री राम लक्ष्मण सीता माता और प्रिया भक्त कौन से हनुमान। मंदिर भोरगढ़ नियर डीडीए पार्क जी, और यहाँ पे हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। कई दिन पहले तो हम लोगों ने मंदिर सजा दिया था अच्छी तरह से और उसके बाद हर रोज गांव में ये सभी से अपील की है कि सब अपना घर से जाएं, शाम को दीपक लगाएं। और अभी हमारे यहाँ सुबह सुंदरकांड का पाठ हुआ है पूजा होने के बाद, और अभी हवन का है, हवन करवाएंगे हम लोग, उसके बाद हम भंडारा शुरू करेंगे। पूजा हो ही रही है हमारी और भगत लोग जो सुबह से यहाँ पर तांता लगाए हुए हैं सब ठीक ठाक से अपनी पूजा कर रहे हैं और सभी लोगों में काफ़ी बड़ा उल्लास है रामलला की स्थापना को लेकर। नमस्कार योगी जी, जैसे आज पूरे देश को ये पता है 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, रामलला जी वहाँ आज विराजमान होंगे। प्राचीन हनुमान मंदिर मंगला चौक पे है और आज सारे मंगला परिवार की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से एक भंडारे का आयोजन है। अभी 11 बजे यहाँ कीर्तन की शुरुआत और फिर 12:20 पर जैसे वहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर में जाके मोदी जी वो करेंगे, उसके बाद हम भी यहाँ 12:30 बजे आरती करके ठाकुर जी का भोग लगा के राम जी का भोग लगा के फिर अपनी आम जनता में प्रसाद का वितरण करेंगे। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि वे समय पे आएं। कौन सी जगह है ये? श्री राम मंदिर। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आज 22 जनवरी है, इसके विषय में राम जन्म तैयारी चल रही है, भंडारे का प्रोग्राम भी है और पूजा पाठ भी चल रहा है और टीवी भी लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और भगवान राम के जो दर्शन पा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है, मोदी जी ने इतना भव्य काम किया, पूरा संसार पूरा नरेला पूरा खुश है जी। मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया, हमको बहुत खुश है, बहुत खुश है। भगवान उनको बहुत बड़ी उम्र दे, हमारी विनती भगवान से है, मोदी जी को भगवान राम बहुत बड़ी उम्र दे। जय हो मोदी, जय हो मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता है जी। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? नरेला में जहाँ भी देखता हूँ, जहाँ भी मिलता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, वहाँ पे श्री राम जी की गाथा गाई जाती है। हर जगह जो है भगवा वस्त्रों से आदमी आज नहा धो के अपने घरों में पूजा पाठ दीवे सजा रखा है, जैसे दिवाली का माहौल हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज भोरगढ़ दुनिया मंदिर के अंदर और बाबा गुरुनाथ जी और गोगा जी जहांगीर जी के मंदिर पर आज अयोध्या के अंदर जो श्री राम लला जी विराजमान हुए हैं, उसी खुशी में आज आप देख रहे हैं बच्चों ने दीपावली मनाई है और जय श्री राम दीपों के द्वारा जय श्री राम लिखा है और पंडित जी आए हैं, हम जय दीपावली की बधाई देते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और सब देशवासियों को, और ये बहुत ही अच्छा समय है और बहुत ही ये बड़ा ही मुश्किल से आया है, क्योंकि 500 वर्ष लगे इन क्षणों को देखने में और हमारी ना जाने कितनी पीढ़ियाँ निकल गई जो श्री राम लला जी को अयोध्या श्री राम मंदिर के अंदर विराजमान होते हुए देखने में, और आज भव्य मंदिर बन चुका है और देश ही नहीं अभी तो पूरे संसार के अंदर आज श्री राम जी का जयकारा गूंज रहा है और जयकारा के अंदर
भगवान श्री राम का जो 500 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे, उनके भव्य महल का, मंदिर का, आज पूरे सनातन संस्कृति का आज जागरण हुआ है। और आज से ही भगवान श्री राम का पूरी दुनिया में टंका बजने लगा है, जबकि 500 वर्षों से देशद्रोही जो है उसको छुपा कर रखे हुए थे। आज दिल्ली में भी कई जगह भगवान श्री राम के मंदिरों के उद्घाटन हुए हैं, उनकी मूर्ति स्थापना हुई है। जैसे सिरसपुर में गुरु गोरखनाथ जी के साथ साथ भगवान श्री राम का भी दरबार जो है आज सजाया गया है, और गोगा जी महाराज का, माता शीतला का, हनुमान जी का सिरसपुर में विशाल भंडारा किया गया। उमिया मंदिर भोरगढ़, गुरु गोरखनाथ मंदिर भोरगढ़ में खुशियों के लड्डू बांटे जा रहे हैं। सभी भक्तों को ये खुशी अपार पूरे जीवन याद रहेगी। और ये इस समय की जो सती चल रही है, इस समय के जो भी लोग हैं वो इस खुशियों को जो है महसूस करेंगे। जीवन में ऐसी खुशियां जो है सभी को मिलती रहे। आजीवन जो है भगवान श्री राम का आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष में गूंजता रहे। सीतामढ़ी की दीपावली दिखाते हैं। गायक अंत भय दुर भूमि धुने पचल समेत धने गगन गिरा गंभीर भई धर्म शोक चंद सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन